आप लोगों को पता होगा कि आधार कार्ड हमारे जीवन में आज की डेट में कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। लेकिन आज की डेट में हमने देखा है जितनी ज़्यादा सुविधा है उतने ज़्यादा हमारे साथ स्कैम फ्रॉड होते जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप आधार कार्ड यूज़ करते हैं और आपको भी डर लगता है कि कहीं हमारा आधार कार्ड हमारी बिना मर्जी के कहीं यूज़ तो नहीं हो रहा है, या कोई हमारे बिना पीछे से OTP डाल के या किसी थर्ड पार्टी से कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारा आधार कार्ड कोई यूज़ कर ले, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आप उसको लॉक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को और उसको अनलॉक कर सकते हैं। देखिए ये प्रोसेस करना कैसे है, ये सारी जानकारी हमने आपको आज इस वीडियो में बताई है। वीडियो अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप हो सकता है वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में ज़रूर आपके शॉर्ट आउट होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नया सीखो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक डेली नया सीखो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ले चलते हैं हम आपको स्क्रीन पे और वहां आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं और इसके हम आपको बेनिफिट्स भी बताएंगे। सबसे पहले आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से जब भी आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो देखिए नीचे एक ऑप्शन आएगा। देखिए यहां पे आधार सर्विसेज वाले सेक्शन में एक ऑप्शन है, देखिए यहां पे लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक, यानी कि आप अगर चाहेंगे तभी आपका आधार कार्ड यूज होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपका आधार कार्ड यूज कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी परमिशन इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और इसको आपको थोड़ा सा नीचे करना है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है लॉक और अनलॉक आधार, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए ये वर्क कैसे करता है ये हम आपको बता देते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, तीनों स्टेप आपको कैसे फॉलो करने हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए पहला स्टेप में ये बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपना जो सोलिडिस का वर्चुअल आईडी है वो आपको जनरेट कर लेना है। जनरेट करना कैसे है वो भी हम आपको अभी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप है, जब आप अपने जो वर्चुअल आईडी को जनरेट कर लेंगे उससे आपको अपना जो ये आधार लॉक और अनलॉक वाला सेक्शन है उसको आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करके आपको उसको ऑथेंटिकेशन कर लेना है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन आप कर लेंगे तो वहां से डायरेक्टली आप उसको लॉक और अनलॉक या फिर बोल लीजिए इनेबल और डिसेबल उसको कर सकते हैं। और देखिए वही तीसरा स्टेप में भी इन्होंने यही बोला है कि आप इसको जाके वहां से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं अपने, जब भी आप इसको ऑथेंटिकेट करेंगे जब, ठीक है। देखिए सबसे पहले वाला स्टेप है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको वर्चुअल जो आईडी है वो आपको कैसे जनरेट करनी है, ठीक है, वो हम आपको अभी बता रहे हैं। तो इस पेज को अभी आप बैक कर दीजिए यहां से, देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए VID जनरेटर, ठीक है, VID जनरेटर है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए ये आपको कैसे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है, यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी कोड डाल लेना है, ठीक है। जब आप अपना इसमें आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड डाल देंगे उसके बाद आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, ठीक है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस सर्विस का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल कैसे कराना है आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पे जाके आप पता कर सकते हैं कि कैसे आप मोबाइल अपडेट करा सकते हैं आधार कार्ड में, ठीक है। जब आपका वर्चुअल आईडी आपको मिल जाए फिर से आपको अपने पुराने वाले जो लॉक और अनलॉक वाला सेक्शन है वहां पे आपको जाना है, ठीक है। यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद फिर से आपको देखिए सेक्शन पे आना है लॉक और अनलॉक आधार कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए
प्लीज एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स टू लॉक और अनलॉक आधार। देखिए यहाँ पे दो तरीके से आप इसको वर्क कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना वर्चुअल आईडी डालना है, फिर आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है, फिर आपको पिन कोड डालना है जहां आप रहते हैं। आप अपने आधार कार्ड पे देख सकते हैं अगर आपका पिन कोड कहीं चेंज तो नहीं है। आप जहां रहते हैं हो सकता है वहां का पिन कोड आपको ना मालूम हो, तो आधार कार्ड में वहां पे लिखा होता है, आप वहां से इसमें पिन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कोड डालना है और उसके बाद आप इसको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डाल देना है। उसके बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको वर्चुअल आईडी डालना है, यहाँ पे नेम डालना है आपको अपना, पिन कोड डालना है इसमें और इसमें आपको कोड डालना है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। देखिए ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुली। देखिए यहां पे आपको अपना ओटीपी डालना है। देखिए उसके बाद आपको इस पे आपको क्लिक करना है और इस पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना आधार कार्ड लॉक करना है या नहीं करना है, तो उसके बाद आपको इसमें सबमिट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से तो आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। वहीं देखिए आपको अब ये तो रहा फ्रेंड्स कि आप अपने आधार कार्ड को लॉक कैसे कर सकते हैं, अनलॉक कैसे करना है। सेम प्रोसेस जब आप अनलॉक वाले सेक्शन में जाएंगे, देखिए वो हम आपको बताते हैं। इसको यहां से रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब अनलॉक वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, यहां पे आपको वर्चुअल आईडी डालनी है, उसके बाद आपको यहां पे कोड डालना है और सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो वहां से आपकी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। देखिए हम आपको एक बात बता दें, जब तक आपका आधार कार्ड लॉक रहेगा आप कोई भी सर्विसेज आधार कार्ड से यूज नहीं कर पाएंगे। चाहे आप अपने ओटीपी से करें, चाहे आप अपने थंब से करें, चाहे आप अपने आयरिस से करें, आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, वो हर बार फेल हो जाएगा जब तक कि आप अपने आधार कार्ड को अनलॉक नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे वो फ्रॉड नहीं हो पाएंगे। जब आपका मन होगा, जब आपको अपना आधार कार्ड कहीं पर यूज करना होगा, तभी आप अपने आधार कार्ड को यूज कर पाएंगे। कोई भी आपके आधार कार्ड को कहीं पर भी यूज नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स एक ये छोटा सा अपडेट था आधार कार्ड की तरफ से, जो हमने आपको बताया है कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत टाइम पहले से ये आ रहा है, लेकिन अभी क्या है ये इसको अपडेट कर दिया गया है। पहले आप आधार नंबर से इसको लॉक और अनलॉक करते थे, लेकिन अब आपको ये VID वर्चुअल आईडी जो होती है इससे आप इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं और किस गांव से देख रहे हैं, प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो, तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे जो भी मदद होगी आपके लिए हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे।